हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आज आपको बताऊंगा कटिंग शीट के बारे में। कटिंग शीट कैसे करते हैं, कटिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में पूरा जानकारी दूंगा। ये है पाइप है और ये कटर है, गैस कटर है और ये गैस कटिंग करने वाला गैस कटर है और ये रेगुलेटर है, एलपीजी का रेगुलेटर है जो एलपीजी में यूज करते हैं। वो एलपीजी इंडस्ट्रियल रहता है, जैसे होटल वाला रहता है वो उसमें यूज़ करते हैं। ये ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का रेगुलेटर है, ऑक्सीजन में भी यूज़ करते हैं और नाइट्रोजन में भी यूज़ करते हैं। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये बाटला है, ये ऑक्सीजन का बाटला है और एक एलपीजी है। अभी मैं इसको टाइट करता हूँ, यहाँ पर टाइट करूँगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का जो रेगुलेटर है वो टाइट करूँगा और इसमें पाना लगेगा, 24-26 का पाना लगता है। तो या अपने पास स्क्रू पाना रहेगा तो स्क्रू पाना से टाइट करेंगे, या जब 24-26 का पट्टी पाना रहेगा तो इससे टाइट करेंगे। तो मैंने स्क्रू पाना ले लिया और स्क्रू पाना से इसको टाइट कर देता हूँ। बराबर टाइट करेंगे ना, फिक्स करेंगे कि लीकेज ना हो। और इसके बाद ये एलपीजी में टाइट करेंगे, ये एलपीजी का बाटला है, इसमें टाइट करेंगे। तो ये दोनों कान साइड से खोल देंगे रेगुलेटर का और बराबर फिक्स करके बैठाएंगे और थोड़ा ऊपर से दबा देंगे, दबा के और दोनों साइड से उसको टाइट कर देंगे बराबर, कि लीकेज ना हो। इसके लिए दोनों साइड से टाइट कर देंगे। मैंने टाइट कर दिया। अभी मैं ऑक्सीजन का एक चाबी है, ऑक्सीजन का चाबी रहता है खोलने के लिए, तो ये वाल रहता है और ये चाबी इसको बोलते हैं, तो इसको खोलते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा अगर नया बाटला रहता है थोड़ा सा झटका देके खोलते हैं तो खुल जाता है। तो ये मैंने थोड़ा सा लीक किया, थोड़ा सा ढीला किया और ये पहले से टाइट था तो इसको मैं पहले लूज़ कर देता हूँ, लूज करके और फिर सेटिंग करेंगे। तो मैं कटर लेके आता हूँ, ऊपर कटर ऊपर है, मैं कटर लेके आता हूँ। ये कटर मैं लेके आ रहा हूँ, ये लाया मैं कटर। अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें प्रेशर कैसे चेक करेंगे, प्रेशर कैसे देंगे। ये एलपीजी का है, ये एलपीजी इससे खोलते हैं और ये ऑक्सीजन का है, ये इसे ऑक्सीजन ऑपरेट करेंगे और ऊपर वाला एलपीजी। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको टाइट करता हूँ। ऊपर का जो ऑक्सीजन का रहता है तो प्रेशर देने के लिए थोड़ा सा ऊपर का टाइट करते हैं, टाइट करके और अपने हिसाब से प्रेशर देके अपने वो कितना एमएम का प्लेट काटना है उसके हिसाब से प्रेशर देते हैं। तो ये प्रेशर मैंने चेक कर रहा हूँ थोड़ा सा और टाइट करके। अभी देखिए, अभी प्रेशर मैं देख रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब लोखंड कितना प्रेशर काट सकता है। आदमी एक अनुभव रहता है काम करने का उसके हिसाब से। तो ये मतलब एक चमड़ी थोड़ा सा दबना चाहिए, प्रेशर दबी देते हैं ना तो चमड़ी थोड़ा सा ऐसा दबना चाहिए, दबेगा तो वो बराबर काम करेगा। अभी मैं एलपीजी थोड़ा सा टाइट करता हूँ, एलपीजी हल्का थोड़ा सा टाइट करना चाहिए, हल्का सा थोड़ा सा मामूली सा निकलना चाहिए। तो ये थोड़ा सा लूज़ करके मैं देखता हूँ, लूज़ करके देखा, लूज़ करके और हल्का सा मतलब थोड़ा सा ऐसा प्रेशर आना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टाइट नहीं करें, थोड़ा सा टाइट करें, थोड़ा सा टाइट करके और चेक करें, ज़्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए। अभी चलिए मैं आपको कटिंग करके बताता हूँ। तो कटिंग करके बताता हूँ, तो ये देखिए थोड़ा सा लाल वाला क्रैक करेंगे, लाल वाला क्रैक करके और लाइटर लगाएंगे। लाइटर मैंने जला दिया और ये गैस मैंने जला दिया। अभी थोड़ा सा अभी लाल वाला खोले हैं, थोड़ा सा ऑक्सीजन खोलेंगे, थोड़ा सा ऑक्सीजन खोल दिए। अभी थोड़ा सा लाल वाला बढ़ा के और फिर ऑक्सीजन थोड़ा सा ऑक्सीजन सेट करेंगे। ये सेट किया, अभी बराबर हो गया। अभी इसमें
थोड़ा सा ये होना चाहिए, वो अपना जो नोजल रहता है वहाँ पे वाइट वाइट थोड़ा सा वाइट दिखना चाहिए। अभी मैं कटिंग करके बताता हूँ। कटिंग करने के लिए क्या है, जहाँ पे अपन रखते हैं वो थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, लाल होएगा, लाल होना चाहिए, लाल होगा तभी आप, ये ऑक्सीजन का प्रेशर है, ये नीचे वाला जो एक डंडी है ये ऑक्सीजन का प्रेशर है। जब ये गर्म होएगा तो उसको दबाएंगे तो प्रेशर से हवा निकलेगा और उसको उधर से काट देगा। तो ये काट रहा है और काट दिए इसको, ये देखिए काट दिया। मैं आप एक बार और कटिंग करके बताता हूँ आपको। ये देखिए ये थोड़ा सा गर्म हो गया, गर्म होने का पूरा लाल हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा लाल होएगा तो आप प्रेशर देंगे तो लोखंड कट जाएगा, प्लेट रहेगा, एंगल रहेगा, कुछ भी रहेगा तो कट जाएगा। ये है कटिंग के बारे में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद।